दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल साइनेमैटिक्स रिव्यू अड्डा में। दोस्तों मैं सत्यम 1994 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। दिलवाले 1994 की हैरी बवेजा द्वारा बनाई गई हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है। मुख्य कलाकार अजय देवगन, सुनील शेट्टी, परेश रावल और रवीना टंडन हैं। दिलवाले 1994 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म पागल खाने में शुरू होती है, जहां डॉक्टर अरुण सक्सेना अजय देवगन अजीब मामले पर चर्चा करते हैं। उसका व्यवहार अन्य सभी मानसिक रोगियों से बहुत अलग है। अरुण अस्पताल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उसे बंद कर लिया जाता है। अरुण की माँ सीमा लघु हर रोज मंदिर के सामने बैठती हैं और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह यानी कि सुनील शेट्टी एक कठोर युवा ईमानदार पुलिस वाला हैं, जिसे अरुण का मामला सौंप गया है। वह अरुण की माँ के पास जाता है, जहाँ कहानी अंतिम में जाती है। अरुण एक खुश उत्साही युवा व्यक्ति था, जो हमेशा अपने जीवन में खुश रहता था। अपने ये कॉलेज के मित्र की जन्मदिन पार्टी में भाग लेने के दौरान जब वह सपना रवीना टंडन को देखता है तो वह प्यार से मारा जाता है। यानी कि सपना को पार्टी में देखकर वह बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है। सपना के मामा ठाकुर परेश रावल पिछले 20 सालों से एक मुखौटी धारण करके रखे हैं, क्योंकि उनके पीछे मकसद में सपना की संपत्ति को उपयोग करना है। पहली बार सपना सोचती है कि अरुण इश्कबाज है, लेकिन बाद में वो सपना प्यार कबूल कर लेती है और उसके बाद एक और लड़की अरुण से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगती है, यानी कि ज्योति। और ज्योति की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद साथ परिचय होने के कारण अरुण को दोषी माना जाता है। उसके बाद सपना को भी लगने लगा कि ज्योति का हत्या अरुण ने किया है। फिर क्या, सपना ने भी अरुण से नफरत करना शुरू कर दिया। अरुण ने इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। फिर उसके बाद अरुण को पागल खाने जेल में भर्ती कर लिया जाता है। विक्रम अरुण की माँ से वादा करता है कि वह अरुण के न्याय के लिए लड़ेगा। विक्रम धीरे धीरे मामा ठाकुर की और गतिविधियों के लिए काटा बन गया। फिर उसके बाद विक्रम ने अरुण का पर्सनली देखभाल करने लगा, क्योंकि उसका जान का बहुत ज़्यादा खतरा था। बाद में विक्रम को पता चलता है कि वह लड़की जिससे अरुण प्यार करता था वह सच में सपना है। अब विक्रम को अरुण के प्यार से वापस जोड़ना है। वह हवलदार राम सिंह से सपना के सामने सच्चाई उगलवाता है, क्योंकि वह मौजूद था जब अरुण की मां और यातना दी गई थी, लेकिन वह मामा ठाकुर के डर के कारण असहाय था। फिर उसके बाद सपना को अपने गलती का महसूस हो गया और विक्रम के देखभाल के कारण अरुण अब बेहतर हो गया है। अरुण को अब अस्पताल से छुट्टी दी गई है, क्योंकि वह बेहतर होता चला जा रहा है। अरुण को अब फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन विक्रम के मदद से वो सपना के साथ अब भाग जाता है। उसके बाद अरुण प्रतिशोध मिशन पर जाता है और मामा ठाकुर के लगभग हर गोदाम को जला देता है। उसके बाद वह कमिश्नर को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि वह अरुण को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी नहीं कर पा रहे थे। अरुण उसके बाद पुलिस सुरक्षा वैन से मामा ठाकुर को पकड़ता है और उसे बुरी तरह से पीटता है और मार देता है। उसके बाद सपना और अरुण शादी कर लेते हैं और कहानी यहीं से समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप भी सपना यानी कि रवीना टंडन का फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारा चैनल सिनेमैटिक्स रिव्यू अड्डा सब्सक्राइब करना ना भूलना।